महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रेल की पटरी पर प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद दिया। औरंगाबाद में जालना रेलवे लाइन के पास ये हादसा हुआ है, जिसमें 14 मजदूरों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में शुक्रवार को एक मालगाड़ी की चपेट में आने के बाद 14 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। अबूधाबी से कच्छ लौटे 181 लोगों में 5 लोगों में लक्षण दिखाई देने पर 5 लोगों को जिला अस्पताल में पृथक किया गया है। वहीं 49 गर्भवती महिलाओं और 4 बच्चों को कार से उनके घर क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट शिव दुलार सिंह ढिल्लो ने भारत सरकार के गृह विभाग की तरफ से 24 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन के दौरान दुकानों को खोलने में दी राहत और एडिशनल मुख्य सचिव गृह मामले और न्याय विभाग पंजाब सरकार की तरफ से 4 मई को जारी की गाइडलाइन के अंतर्गत देर रात आदेश जारी कर क्षेत्र में उसारी उद्योग व्यापार के लिए जरूरी छूट शर्तें में राहत दी है। अमेरिका में कोरोना वायरस पर शोध कर रहे चीन के प्रोफेसर बिंग ली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि मुंबई के आर्थर रोड जिले में 70 कैदियों और 26 पुलिसकर्मियों की जांच में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस के चलते हुई तालाबंदी और कर्फ्यू की मार कई लोगों की शादियों पर पड़ रही है, खासकर एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाली शादियों पर। दूसरे राज्यों में शादी करने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में होने वाली शादियों को लेकर। कोरोना वायरस के चलते लखनपुर बैरियर को नहीं पार करने दिया गया, लखनपुर बैरियर पर ही शादियां की गई। तालाबंदी के कारण सरकार की तरफ से लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं जिला पुलिस बरनाला संदीप गोयल भी समय समय पर लोगों के जीवन का जायजा ले रही हैं और उनके साथ अपने दुख दर्द साझा कर रही हैं। उड़ीसा सरकार ने गंजम जिले को रेड जोन, जगत सिंहपुर और मयूरभंज जिले को ऑरेंज जोन घोषित कर दिया है। असम सरकार ने 1 मई से 31 मई तक स्कूल कॉलेज में गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी है।